सोलन में स्कूल खोलने की अनुमति बेशक सरकार ने दे दी है, लेकिन स्कूल प्रशासन कक्षाएं नहीं लगा पाएंगे। स्कूलों को केवल कुछ विद्यार्थियों के लिए ही खोला गया है, ताकि अगर किसी विद्यार्थी को कोई शंका हो तो वह अध्यापकों से जाकर पूछ सकता है। ये जानकारी उपायुक्त सोलन केसी चमन ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण ज्यादा न फैले, इसके लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने सभी स्कूलों के अधिकारियों को आग्रह किया है कि वे किसी भी स्थिति में नियमों को न टूटने दें। अगर किसी भी तरह से कोई नियम टूटता है तो स्कूल प्रशासन पर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। अधिक जानकारी देते हुए उपायुक्त सोलन केसी चमन ने बताया कि स्कूलों को सशर्त खोलने की अनुमति दी गई है। अगर कोई स्कूल कक्षाएं लगाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी नियम विद्यार्थी और समाज की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, इसलिए वे सभी स्कूल के अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वे किसी भी सूरत में नियमों को न तोड़ें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कोई भी अध्यापक किसी विद्यार्थी को स्कूल आने पर बाध्य नहीं कर सकता है, जो भी विद्यार्थी स्कूल आएगा। गाइडलाइन में जो पहले ही लिखा गया कि 21 सितंबर के बाद स्कूल खुलेंगे 50% कैपेसिटी के अनुसार, और 50% कैपेसिटी में नौवीं क्लास से जो ऊपर के बच्चे हैं वो भी 50% जो कैपेसिटी में आ सकते हैं, उसको स्टैगर किया जाएगा स्कूल के शिक्षकों द्वारा। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि वही बच्चे आएंगे जिसमें रिटर्न परमिशन पेरेंट्स की होना उसमें बहुत आवश्यक है। कोई भी टीचर फोर्स नहीं करेगा, अगर बच्चा आएगा स्कूल और रिटर्न परमिशन पेरेंट्स के लाएगा तब स्कूल में आएगा और अपने जो क्वेरीज है उसको एड्रेस करके वापस चला जाएगा। तो एज सच कोई ऐसा नहीं कि मैंडेटरी कि हर एक को जाना ही जाना है, उसमें ऑप्शन पेरेंट्स के ऊपर दी हुई कि पेरेंट्स की अप्रूव के बगैर कोई बच्चा स्कूल में नहीं होगा। सर जैसे कहा गया है कि 5 बच्चों से ज़्यादा जो स्कूल में आएंगे उसको क्लास का दर्जा दिया जाएगा, तो अगर ऐसा कोई स्कूल करता पाया जाता है तो उनके खिलाफ यानी कि क्या कार्रवाई की जाएगी? उसके बाद एपिडेमिक एक्ट में क्लियर है, सेक्शन 3 एनडीएम एक्ट में जाएगा, और इसमें सेक्शन 51-60 पुलिस एक्ट में है, आईपीसी में है, तो जो धाराएं हैं 260, 268, 69, 70 उसके तहत जो कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। अगर कोई पूरी क्लासेस लगाते हैं इस चीज़ की अवहेलना जो करेंगे उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे।